soft number two, day number two, that's how long we are. So I welcome again to our speakers, our trainer, Dr. Bhandwali Roy Chaudhary Madam, and I request her to continue the session for this morning. Thank you.
प्रेजेंटेशन तो सबको दी रहा है, आपको क्यों नहीं दिखा है मुझे पता नहीं है। हाँ डेफिनेटली यू शुड, थैंक यू, आपका समस्या ये है मगर आपको जाकर अगर वहाँ पर सुनने में नहीं आ रहा है देन यू शुड चेंज द थिंग। लास्ट में तो वो तीन भी बैठे थे, उन लोगों को भी तो आ गया तो वही टाइम नहीं मिलने से इन लोगों को आता नहीं है एक्चुअली कोई चीज़। इट्स ओके। और प्रेजेंटेशन बाकी जो हम लोग यहाँ पर दिखाया गया था, इंटरनेट चल नहीं रहा था वो लास्ट में मैंने इंटरनेट यूज किया है, मगर प्रेजेंटेशन तो आपको आना चाहिए था, है ना? प्रेजेंटेशन में तो आपको देखा है, आपने देखा था ठीक है। आप आज जब लंच जाएंगे, जब लंच लेने जाएंगे आपके लिए साथ बैठना आपको मैं ये सिखा दूँ। पाएंगे तो उसको क्या हमको चाहिए ये नहीं पता होगा।
रिक्वायरमेंट है मगर नहीं मिल रहा है, ये एक समस्या है। दिस इज द रिक्वायरमेंट। देखिए मुझे लगता है जो मैनेजमेंट वाले हैं उन लोगों का सिर्फ एक वर्ड से ही पूरा सब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस रहता है, दैट इज रिक्वायरमेंट है ना, डिमांड ऑफ द थिंग्स। कुछ एक्चुअली ये जो मैनेजमेंट है डिमांड की वजह से ही है, तो डिमांड है मगर वो मीटअप नहीं हो रहा है। हाउ टू मीट द डिमांड, दैट इज द मेन। तो आज हम लोग यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं दैट इज आर्ट मेकनिज्म, हाउ टू स्टार्ट। देखिए आप लोगों ने जो जो किया है सब ने डेफिनेटली आप लोगों का खुद का साक्ष है। जो आप लोग वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, जो दिमाग में आता है वही साक्ष करते हो, है कि नहीं बोले? उसमें क्या आपने कुछ भी स्ट्रैटेजी अप्लाई किया कि इसमें ये करेंगे तो मिल जाएगा ये किस? जैसे एकदम वही तीन एक साथ लिखा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव
कि हम लोग ऐसे आप लोगों ने जैसे सीसी सर्च में कल किया था, तो वो था ब्राउज। आप लोगों ने ब्राउज किया है, ब्राउज से मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, जो आपका रिजल्ट है। अब पता चलो सर असाइनमेंट क्या था, तो वही है, हम लोग ब्राउज करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग सर्च करेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच टाइम इन आवर हैंड टू ब्राउज। ये बात होता ही है कि अगर इफ यू हैव टाइम देन गो टू, इफ यू डोंट हैव द टाइम गो टू द लाइब्रेरी। वहां पर तुम हमको एग्जैक्ट मिलेगा ना प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये मिलेगा हमको, तो सर्च से प्रोसेस इंफॉर्मेशन मिलता है और ब्राउज से हम लोगों को वो जो जैसे ड्राइवर से टैक्सी ड्राइवर भी आ जाएगा, पेन ड्राइव भी आ जाएगा, स्कूल ड्राइवर भी आ जाएगा, ऐसा समझो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। तो आप लोगों ने कल क्या किया था, आपने सर्च किया कि मैम मैडम पहले भी एक कोई लगभग वर्कशॉप अटेंड कर चुके दस डेज, शी नोज द मैटर। देखिए हम लोग एग्जैक्ट मैच करेंगे, अदरवाइज ये होगा वो आई डोंट नो आपके हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग बंगाली में बोलते हैं खड़े का दे शूट्स को, इट इज सर्चिंग निड इन अ केस के दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। कहां पर से दूसरे में से, ओ अच्छा अच्छा दूसरे में से स्वीट बन गया, थैंक्स, दिस इज वैल्यू एडिशन। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्राउजर को छोड़ के सर्च इंजन में आ जाएंगे, गूगल बिंग is all of the browser, they are not the search engine. Browser aur search engine mein kya antar hota hai? Browser is just like shopping mall, bahut sare department ek jagah hota hai, aap jaate ho ghoom ghoom ke aa jaate ho, aur agar aapko sugar lena pade to aap kahan jaoge, grocery shop mein jaate ho, रिक्वायरमेंट देते हो, उन लोग आपको देता है, लेके आ जाते हैं। तो एग्जैक्ट मैच एग्जैक्ट सर्च दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली करना है हम लोगों को, पता चलना चाहिए हम लोगों को वो डेफिनेशन या हमारे जो मोटो है, दिस इज माय मोटो और दिस इज माय ऑब्जेक्टिव आई हैव टू अचीव। इसके लिए हम लोगों को एग्जैक्ट सर्च करना पड़ता है एंड ये एग्जैक्ट सर्च करने के लिए दिस आर द टूल्स हम लोग इन जो जो मैं अब बोलूंगी जो जो मेटेरियल, नंबर वन मैंने आपको बोला सर्च इंजन, तो सर्च इंजन इज अ टूल, सर्च इंजन इज अ टूल, ब्राउजर कभी सर्च इंजन हो सक नहीं हो सकता, मगर सर्च इंजन ब्राउजर हो सकता है, शॉपिंग मॉल कभी ग्रॉसरी शॉप के एकदम भी उसमें मैच नहीं होता है, शॉपिंग मॉल में ग्रॉसरी शॉप होता है, मगर कोई भी ग्रॉसरी शॉप में आपको शॉपिंग मॉल मिलेगा तो इट्स वन डिपार्टमेंट एंड शॉपिंग मॉल में बहुत सारे डिपार्टमेंट एक साथ रहता है, वहाँ पर हम लोग वैसे जाते घूमते आ जाते हैं। तो सर्च इंजन देखिए, सर्च इंजन क्यों हम लोग सर्च इंजन करेंगे, बिकॉज मैंने जो आप लोगों को बोला है कि कल जो हमने आपको जो क्लास में बोला है कि कोई भी एक अगर ये आपका लैपटॉप चल रहा है तो इसमें चार चीज बहुत जरूरी है, दो थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड टू रन अ कंप्यूटर कैसे भी हो, पहले तो आपको ये हार्डवेयर चाहिए है ना, ये मॉनिटर सीपीयू ये सब चाहिए, उसके बाद क्या हो लेना पड़ेगा, उसपे ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा। अभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम में एम्बेडेड एक बैकएंड में एक डेटाबेस रहता है, डेटाबेस मींस इट्स जस्ट लाइक अ अलमीरा, आपके घर के सब सामान कहाँ रहता है, बिक्रा वो रहता है या अलमीरा में रहता है, हम लोग कहाँ रखते हैं, अलमीरा में ही तो रखते हैं, कोई भी हो अगर
एक्चुअली उसका सर्कुलर हम लोग बोलते हैं कि भी उसमें एक एक लेयर में एक एक डॉक्यूमेंट रहता है, जैसे टेबल होता है वैसे ही सेटी के होके रहता है डेटाबेस में डॉक्यूमेंट्स। ये जो आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप एंट्री कर रहे हो अपने लैपटॉप में, उसको तो आप सेव करते हो तो सेव करने के बाद वो जहाँ तक कहाँ है, कभी कभी तो आप सेव करके फोल्डर में भूल जाते हो। फोल्डर इज वन काइंड ऑफ डेस्टिनेशन कि आपको याद रहता है, मगर कभी कभी हम लोग तो कंप्यूटर के जो सर्च बटन है जो लेंस का एक साइन होता है उसमें डाल के हम लोग ढूंढ लेते हैं, कंप्यूटर तो रिट्राइव कर देता है तो मिलता है कहाँ, इसके बैकएंड में डेटाबेस रहता है। एंड लास्ट वन वो ब्राउजर, आपके सभी के ये लैपटॉप भी ब्राउजर तो होता है, वो ब्राउजर हम गूगल बोलते हैं मगर बैकएंड में उसमें कल आप लोगों को मैंने बोला था Apache, Apache रन करता है। Apache इज वन ऑफ द गुड ओपन सोर्स ब्राउजर, बाकी डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग देयर ओन ब्राउजिंग सिस्टम। सो अ ब्राउजर रिलेटेड सॉफ्टवेयर बैकएंड में रहता है और ये सब कुछ को मेंटेन करने के लिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद ये कंप्यूटर में वो रहता है, तब जाके आप कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें आप जस्ट .exe फाइल को इंस्टॉल करके आप रन करा सकते हो, है कि नहीं बोलते। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता, अगर ये हार्डवेयर नहीं रहता, हम क्या कोई ये सॉफ्टवेयर उसमें यूज कर पाते नहीं पाते, तो ये बैकएंड में आपको रहना चाहिए। तो सर्चिंग इंजन में भी वो क्यों इतना ऑर्गेनाइज्ड है, बिकॉज इसमें बैकएंड में इसका खुद का डेटाबेस होता है। गूगल डिफरेंट जगह से वो डेटा लेता है। सर्च इंजन स्पेसिफिक, इसका स्पेसिफिसिटी क्या है, जिस सर्च इंजन को हम यूज करेंगे उसके ही खुद का डेटाबेस होता है, उसका ही इंडेक्सिंग सिस्टम होता है। इंडेक्सिंग मीन्स हम लोग जब बचपन में बुक्स पढ़ते थे, अभी भी किसी किसी बुक्स के एकदम लास्ट पेज में आप लोग देखते हो इंडेक्स रहता है, वर्ड्स रहते हैं, वर्ड्स के पास ही बगल में ही उसमें बहुत सारा छोटा छोटा पेज नंबर होता है कि वो वर्ड कौन कौन सा पेज में मिलेगा, ये एक आइडेंटिफिकेशन रहता है ना, सो दैट वी कैन डायरेक्टली फेच द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द वर्ड, है कि नहीं मिलता है। तो आप लोग जोर से हाँ बोलिए, नहीं तो मुझे लग रहा है पार्टिसिपेशन आपको भी होना चाहिए। तो वो इंडेक्स, जिस बुक में वो वाला इंडेक्स अच्छा रहता है वो जल्दी से मिल जाता है ना, तो वही वाला यहाँ पर देखिए, मशीन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द मैन, अ ह्यूमन बींग क्या करते हैं, हम लोग बहुत धीरे धीरे उसका ऐड या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लाई ये करते हैं ना, मशीन वही बहुत ज़्यादा करता है और बहुत कम करता है। हम लोग एक साथ 100 या 200 नंबर्स को जोड़ नहीं सकते मगर मशीन कर देते हैं, तो हमारा ही बहुत ज़्यादा रैपिड वर्जन है एक्चुअली मशीन, और वो मशीन ह्यूमन से ही चलता है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। मैनुअली बुक्स में ही हम लोग वो इंडेक्सिंग मिल जाता था, वही जो मैनुअल प्रोसेस है उसको मशीन में डाल दिया है ताकि कम सबसे कम समय में सबसे ज्यादा रिजल्ट एग्जीक्यूट हो सके, दैट्स द थिंग, नथिंग मोर देन दैट। हम लोगों को कंप्यूटर पर चलाना है, कंप्यूटर हम लोगों को नहीं चलाना, सिस्टम को हमको चलाना है, सिस्टम हमको नहीं चलाएगा, ऐसा हो तो ये सर्च इंजन के इसमें एक इंडेक्स फाइल ऑलरेडी एम्बेडेड रहता है, इसलिए डोमेन स्पेसिफिक है, मींस सब्जेक्ट स्पेसिफिक सर्च होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सर्च इंजन होते हैं, सो दैट वो सर्च इंजन सिर्फ वही आपके जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट को इंडेक्स करेगा, उसका ही जितना भी फैसेज है, हम लोग फैसेज बोलते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, छोटे छोटे उसका कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कॉन्सेप्ट छोटा होता है मगर उसका इनडेप्थ अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो बहुत सारा होता है, वही कॉन्सेप्ट
जितना हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेस होगा उतना ही ज्यादा डिफरेंट अच्छा होगा. दिस इज द मेन लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस. अच्छा अगर जैसे हमारे घर में अगर सारे सब्जियां रहता है तो अच्छा अच्छा खाना पकेगा तो अगर एक और दो सब्जी रहे तो उससे ही बनाना पड़ेगा. तो ये वाला चीज आपको बिल्कुल समझना चाहिए. अगर इंडेक्सिंग बैकेंड में अच्छा है देन द रिट्रैवल विल बी गुड फाइन. एंड उसमें भी मैंने कल बोला था प्रिसिशन, इट मींस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ज्यादा आएगा. हम लोग जब गूगल करते हैं या तो अदर सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो डॉक्यूमेंट आपने जो सीसी सर्च में देखा डॉक्यूमेंट विच इज रिलेवेंट एंड नॉन रिलेवेंट दोनों ही एक साथ आया है. रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी आया है, आप लोगों का जो चाहिए वो भी आया है, जो नहीं चाहिए वो भी आया है. इसलिए तो आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, आप लोग डिस्टर्ब हो गए हो कि मैं जो मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है. बिकॉज आपको जो चाहिए वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा है. यू हैव टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर कि मुझे ये चाहिए, आपको ये लेके देना है. ठीक ठाक रिक्वायरमेंट तो कंप्यूटर कैसे देगा? अगर कंप्यूटर के पास वो रिसोर्स रहेगा तभी तो देगा ना, नहीं तो कहां से मिलेगा? अब लोग कैसे बोलते हो नहीं है तो कैसे देंगे? है जो है वो बोलो ना, वो दे दो. आप लोग भी तो वही बोलते हो. सो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी. आपको मशीन का भी साइकोलॉजी समझना होगा. मशीन है तो क्या हुआ, साइकोलॉजी भी है, डेफिनेटली है. तो उसमें आपको डालना होगा. तो एक तो हो गया मैंने बोला आपको इंजिन, एक साथ ही इंजिन का होता इंजिन. It is not wrong. Maybe it's wrong for you, but it is right for me.
दिस इज वेरी रिलेवेंट टू माई जॉब. मेरे जो अलग अलग कॉलीग्स हैं उन लोगों के पास ये राजेश्वरी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का अभी तक तो कोई जस्ट इंफॉर्मेशन दैट्स अ डेटा नथिंग मोर देन दिस इंफॉर्मेशन एंड वर्क इज फ्रॉम मी नॉट फॉर देम. तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है व्हाट आर द देयर रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट एक ट्राइगर होता है. मगर जो अगर मैं जो बोल रही हूँ सर्च इंजन में इंडेक्सिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए सो दैट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन relevant and non-relevant must be there so that each and everyone can have the information as per their need. ये मैं बोलूँ और ये जो मैंने बोला पास वाले आंटी जो ब्रॉल करता है वो इंफॉर्मेशन इन जेनरिक ब्रॉल करता है जैसे ब्रॉलर करता है कुछ भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो जाए वो उससे नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से वो उसको वो वर्ड लेके इंडेक्स में डाल देता है. ये क्रॉलर करता है उसको पता नहीं होता है कौन सा इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है कौन सा नॉन रेलिवेंट है. इवन इट इज द इंफॉर्मेशन और नॉट दे आर एक्चुअली कलेक्टिंग द डेटा दे आर कलेक्टिंग द डेटा. डेटा अगर रिलेवेंट हो तभी तो इंफॉर्मेशन बनता है ना. सब डेटा सबके लिए जरूरत होता है सबके लिए रेलिवेंट होता है नहीं होता. डेटा जिसके रिक्वायरमेंट है उसके लिए इंफॉर्मेशन और उसको जो एसिमिलेट करता है उसके लिए नॉलेज बन जाता है. सोचिए जो मैंने इस बार इस टाइम में मैंने जो बोला सभी एक एक पीस ऑफ डेटा है. डेटा को जब हमारे रेलिवेंस मिलता है हमारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रेलिवेंट डेटा वो इंफॉर्मेशन और वही इंफॉर्मेशन को जब हम एसिमिलेट करते हैं उसको पढ़ते हैं उसको जानते हैं एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोसेस करते हैं तब वो जाकर हमारा नॉलेज बनता है. अब जैसे हम लोग ओईआर पका रहे हैं दिस इज अ किचन यहाँ पर ओईआर के बारे में बात चल रहा है लास्ट 3 दिन से 2 दिन से तो इसमें हम लोग ओईआर के ऊपर नॉलेज गेन करना चाहते हैं. तो ओईआर हमारे लिए इंफॉर्मेशन है. यही यूनिवर्सिटी के बाहर जो चाय वाला है उसको ओईआर बोलो वो कह रहे कहा जो वर्ड होता है वो वर्ड उसको वो ले लेगा वहां से जितना बार ज्यादा बार आया है. जैसे मानो एक वर्ड एक डॉक्यूमेंट में 60 बार आया है वो उसको पहले जाके इंडेक्स करेगा उसके बाद वो 55 वाला लेगा 42 वाला लेगा फिर 38 वाला लेगा ऐसे करके वैसे इंडेक्सिंग होता है जिसमें हाई रेलिवेंसी मीन जब अगर आप वो डॉक्यूमेंट के लिए इंफॉर्मेशन के लिए आप देते हो तब जाके वो डॉक्यूमेंट वो जिसमें 60 मिलेगा वो उसको सबसे पहले इंडेक्स बना लेना क्रॉल करना. देखिए दो प्रॉब्लम
दिया गया है सभी जगह, ये तो एक ट्रॉलर काम करता है। और यहीं पर देखिए मैंने जो लिखा है लास्ट लाइन में, एसिस टू वन इन साक्षी सुगम, यही इंडेक्सर, यही क्रॉलर जितना अच्छे से सब्जेक्ट को और वर्ड्स को, एक्चुअली वर्ड्स मींस हमारे लिए सब्जेक्ट, हम लोग जैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बोलते हैं सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, छोड़िए आप लोग पेपर जब लिखते हो कीवर्ड्स देते हो कि नहीं, कीवर्ड्स देते हो तो 5-4, सो सच कीवर्ड्स आर एक्चुअली नीडेड फॉर द इंडेक्स, वो कीवर्ड डाल के वो इंडेक्स में डाल देंगे, सो दैट जब भी वो 5 कीवर्ड से कोई भी एक यूज हो तो आपका पेपर आएगा। This is the mechanism. Now you can visualize. अब visualize कर पा रहे हो तो कैसे काम करता है Google और कैसे कोई भी browser कैसे काम करता है, तो ये एक search engine हो गया। अभी search engine तो एक tool है, उसको हम use कर सकते हैं, तो मैंने बोला है domain specific search engine हम लोग use करेंगे, domain specific search engine use करेंगे। अच्छा कभी बीच बीच में ऑडिबिलिटी टेस्ट भी करना चाहिए, सुनाई दे रहा है मैडम आपको? सो मैंने यहाँ पर दिया है, आप अपने स्लाइड में देखोगे कि मैंने यहाँ पर आपको दिया है कि हम तो कैसे बैकग्राउंड बॉक्स के अंदर
क्लास टाइम है एक्चुअली जब भी हम सर्च देते हैं ब्राउजर में ऑटोमेटिकली वो क्लास टाइम खुद ही ले लेता है दिस इज अ बूलियन ऑपरेटर दैट मींस एंड वो आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्स अकेला नहीं ले रहा है एज अ फ्रेज नहीं ले रहा है वो बोल रहा है ओपन यू कैन फाइंड डॉक्यूमेंट्स विच आर अवेलेबल विद द वर्ड्स ओपन प्लस रिसोर्सेज यू कैन फाइंड द रिसोर्स डॉक्यूमेंट्स विद द वर्ड रिसोर्सेज एंड यू कैन फाइंड द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिलेवेंट विद द रेगुलेशन इट मीन्स जहां पर भी जिस पे ओपन ये वर्ड है उसको भी फेच करेगा रिसोर्सेस है उसको भी फेच करेगा एजुकेशनल है उसको भी फेच करेगा एंड ऐसे ही आपको वो लाख करोड़ में वो इंफॉर्मेशन मिल जाता है कितना आया है आप देख सकते हो यहाँ पर अभी आप इसको मैं जो मैंने उसमें बोला है कि यू कैन रिफाइन योर सर्च और रिफाइन करने के लिए मैंने आपको क्या बोला है कि वो पेरेंथेसिस यूज पेरेंथेसिस जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका यूज है सेकंड मैंने क्या बोला हाइफ़न हाइफ़न का यूज है वो आप हाइफ़न में यूज कर सकते हो मगर सिचुएशन चेंज करना पड़ेगा आपको मैं बोल रही हूँ कि किस किस सिचुएशन में कौन कौन सा साइन हम लोग यूज करेंगे फिर स्लैश यू कैन मेंशन द पीरियड्स देन इक्वल साइन एज वेल एज एपोस्ट्रोफ इंक्लूडिंग दिस इनवर्टेड कॉमा इनवर्टेड डबल इनवर्टेड कॉमा ये सब आप लोग यूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ सर्च ये यूज करके आप अपना सर्च को डेफिनेटली डिफाइन कर सकते हो हम लोग कैसे सर्च करते हैं हम लोग ऐसे जब भी कोई नॉलेज के लिए बात करते हैं तो वी आर डिगिंग अ पॉन्ड है ना वी आर डिगिंग अ पॉन्ड बट वी नीड अ इंफॉर्मेशन जैसे कुआं होता है ना इन लोगों को कुओं के जैसा उतना इंटेंसिटी में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है अगर हम लोग खोद के आ देते हैं तो पॉन्ड खोद देते हैं सो वही पॉन्ड से आप रिट्राइव कर सकते हो अपना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ सर्च स्ट्रेटजी दिस आर द साइंस दिस आर द सिंबल्स थ्रू व्हिच यू कैन रिफाइन योर सर्च ये एक टूल हो गया और एक टूल सो आपको मैं हैंड्स ऑन में निकालती हूँ आप देखिए यहाँ पर हमने वो ऐसे ही लिया है तो मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मा डाल दिया है देखिए कितना आया फिर देखिए वो 8 करोड़ में से वो सिर्फ 224 लाख 20,000 डॉक्यूमेंट उन्होंने रिट्राइव किया सो यू कैन सी द रेलिवेंसी यू कैन सी द कॉमनेंसी एंड प्रोमिनेंसी ऑफ योर सर्च हम लोग वही तो कंफ्यूज हो
find such by images or videos or with the text itself. यहाँ पर देखिए ये जो हमने बोला है आपको कि यू कैन यूज प्लस साइन देन माइनस साइन एंड और नॉट, ये थ्री वर्ड आप यूज कर सकते हो. एंड और नॉट मैं वर्ड ही नहीं यूज, क्योंकि वो वर्ड के हिसाब से लेता है, तो कंप्यूटर इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल मैटर. इट इज एंड, इट इज और, इट इज नॉट. ये हमारे लिए जब होता है तब हम लोग की दूसरा मास्टर में वो तो नहीं जानता है, इसके लिए ये वर्ड ही होता है. एंड विच इज सिमिलर टू द सन. एंड के लिए एंड मीन्स दिस इज बुलियन लॉजिक, आप सब लोगों को पता है बुलियन लॉजिक. दो जगह होता है वहां पर जो कॉमन स्पेस होता है, ये भी है ये भी है, वो वाला डॉक्यूमेंट जो लीजिए. देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए ये एक्चुअली ग्रीन है, यहाँ पर ग्रीन जो जगह है ना, जो एंड में आप देख रहे हो सर्किल ए एंड बी, उसमें जो कॉमन जगह है बोल रहा है जो डॉक्यूमेंट विच आर अवेलेबल the words with open, educational and resources, the three words, open, educational and resources, है ना, वैसे ही एक तो लिया है, तो जिसमें open, educational, resources, these word है, उसको निकाल दो, तो last sign हो गया, तो तीन को ले लिया, last sign, मैं अगर यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आप open resources को लो, एजुकेशनल को छोड़ दो, देन आप क्या करोगे, ओपन क्लास रिसोर्सेस माइनस एजुकेशन, नॉट एजुकेशन माइनस व्हिच इज एक्चुअली नॉट. ए एंड बी एंड सी ये आप लोगों के पास है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, तीन ही वर्ड यहाँ पर है, तीन को ही आप चेंज करते हैं. और एक सिचुएशन दिया जा रहा है जहाँ पर ओपन है, एजुकेशनल रिसोर्सेस है, ये लेके आओ, तीन एक साथ एज ए फ्रेज है उसको लेके आओ, हमको ओपन रिसोर्सेस चाहिए एजुकेशनल नहीं चाहिए, वो वाला लेके आओ, दिस आर द रिक्वायरमेंट्स. सो बुलियन लॉजिक से हम लोग ये कर सकते हैं, और बुलियन लॉजिक के लिए एंड और नॉट ये थ्री एलिमेंट्स है थ्रू व्हिच वी कैन डिफाइन आवर सर्च. एंड वी आर यूजिंग, वी मे यूज the sign symbol also instead of M. Thank you.
ट्रांकेशन शब्द। ट्रांकेशन मीन्स तो हम लोग ऐसे भी कभी कभी बोलते हैं ना जब कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक मैडम आप जिस टॉपिक में ढूंढ के भी आपको नहीं मिला वो टॉपिक के नाम बताइए। अब सेंट्रल टेंडेंसी जी वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जो सो विच इज वेरी मच पर्टिनेंट टू द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। हम लोग जैसे करते हैं स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को लेके बात करते हैं वैसे तो ये जो और एंटायर थिंग इज रिलेवेंट टू द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। हम लोग मैं ऐसा बोल रही हूं तो कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी along with other related documents, all related documents which are very much relevant with the term measurement of central tendency. ऐसा भी होता है ना सिर्फ जिसको चाले वो नहीं चाहिए बाकी अदर भी वहाँ पर कुछ काम हुआ है कि नहीं वो एरिया में हम वो भी देखना चाहते हैं। या तो कभी कभी ऐसा होता है आपको एक वर्ड याद आ रहा है बाकी नहीं आ रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं वो वर्ड के साथ जुड़े हुए जितना भी रिलेवेंट अदर वर्ड्स लेके एक इंफॉर्मेशन होता है उस सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेके आए तो जाके हम लोग वो वर्ड लिख के फिर ये एस्टेरिक्स मार्क्स दे देते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर अब देखना स्टार्ट और स्टार दे के हम लोग लेते हैं दैट इज स्पेशल कैरेक्टर इज इट तो ये वो वाला स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं
इंटरनेट से छोड़ के सिर्फ अपन लोकल कमरे में आ गई है। एक एंटायर डॉक्यूमेंट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आप कर रहे, उसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट अगर आपको डिस्क्राइब करना होगा तो आप कंट्रोल एक डाल सकते हो। Amalgamation. It's a coexistence of
ओके यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये इन्फो माइन एकेडमिक इन्फो इंटीम इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी दिस बिलोंग्स टू माय डोमेन मैंने क्यों यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट मैटर को यहाँ पर कंसिडर किया बिकॉज यू ऑल यू आर फ्रॉम हेटेरोजेनियस ग्रुप अगर सभी का एक एक अलग अलग का सब्जेक्ट है तो आई कैन गेट अ एग्जाम्पल फ्रॉम योर सब्जेक्ट दैट्स व्हाई आई टेक एग्जाम्पल फ्रॉम माय साइड अगर मेरे सब्जेक्ट में इतना सारे सब्जेक्ट डायरेक्टली है तो आप सब लोगों के सब्जेक्ट अपना एक सब्जेक्ट डिफरेंटली हो सो जस्ट उस सर्च डायरेक्टरी को ढूंढ लीजिए अपना सब्जेक्ट देख लीजिए क्लास टाइम लीजिए फिर सब्जेक्ट डायरेक्टरी बोल के लिखिए आपके जो गवर्नमेंट का सब्जेक्ट डायरेक्टरी है वो आ जाए तो हर एक सब्जेक्ट का खुद का सब्जेक्ट डायरेक्टरी है सब्जेक्ट डायरेक्टरी अगर आप रेलिवेंसी लाना चाहते हो तो हम लोग यूज करते थे ना बचपन में टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता था जिस जिस के घर में टेलीफोन है BSNL का उसका नेम एड्रेस और टेलीफोन नंबर उसमें लिखा जाता था तो वहां से हम लोग जो जो टेलीफोन होल्डर्स है उन लोगों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते थे सब्जेक्ट डायरेक्टरी और इज आल्सो द सेम जो टॉपिक में जो कंटेंट में आप ढूंढना चाहते हो वही कंटेंट के ऊपर जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट डायरेक्टरी में मिलेगा बिकॉज वी हैव इन अ गुड इंडेक्सिंग फाइल इन दिस बैकअप जो इंडेक्सिंग फाइल है वो अगर फिजिक्स के बारे में बोल रहा है सब्जेक्ट डायरेक्टरी तो फिजिक्स के ही सब सब्जेक्ट उसके ही रिलेवेंट सब जो जो कॉन्सेप्ट है पैसेज है उसके ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखेगा केमिस्ट्री या मैथ या बंगाली या हिंदी इसमें नहीं रखेगा तो कंफाइंड हो गया है कि इन सब्जेक्ट इसलिए ऐसे करके सर्चिंग मेकानिज्म वी कैन कंक्लूड देखिए आप लोगों का इतना दिन तक फोन चलाता था गूगल चलाता था अब कौन चलाएगा गूगल को आप लोग चला सकते यू कैन रिफाइन और यू कैन हैव टेक ओवर द कंट्रोल थ्रू योर सर्च अभी आपके पास वो एड्रेस है थ्रू व्हिच यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट दिस अदर थिंग ये आपको ही करना पड़ेगा ये आपका डेली प्रैक्टिस में अब आ जाना चाहिए कि डेली हम लोग जो डे टू डे हम लोग फॉर एनीथिंग हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले गूगल में जाकर डाल देते हैं लुक यूज कर गूगल एकेडमिक्स जो एकेडमिशियन है वो गूगल यूज नहीं करते फॉर द नोन पीपल गूगल इज गुड फॉर नथिंग जो एकेडमिशियन है आप लोग इतने दिनों तक ढूंढते रहते थे मिलता नहीं था Now you can have the tools through which you can search. आपको बोलना है, हमको ये चाहिए तो यही हो. So इसलिए आप लोगों ने अच्छे से बोला ही नहीं. भगवान से बोला है कि मुझे अच्छा लग रहा है. कैसे करके अच्छा लग रहा है नहीं बोला है. So this is the actually search terminology tools through which you can start our search. तो फिर सब्जेक्ट डायरेक्टरी जो आपके सब्जेक्ट में आएगा वो तो मैंने आपको टूल्स दे दिया है तो आप यू आर द बॉस ऑफ योर ओन आप उसको कैसे यूज करोगे गूगल में जाओ या चैन कहीं पर भी जाओ किसी पे में जाओ देखिए आपको स्पेसिफिक चाहिए है ना तो हम लोग डायरेक्ट टू स्पेसिफिक में नहीं जा सकते हम लोगों को जनरल टू स्पेसिफिक में आना पड़ता है जनरल से स्पेसिफिक को ढूंढ लो और स्पेसिफिक मिल जाए तो जनरल को यूज मत करो सो हमारे मॉडल की बोल दिया है मेरे नाम का नहीं तो अभी इसको ठीक देख लें सो नाउ दिस इज द टाइम टू हैव अ ठीक दे प्लीज हां ये सब
स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर वर्कशॉप, ये पूरा पूरा वर्कशॉप क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, क्या पीपीटी यूज किया है, आप लोगों के साथ मैंने क्या का इंस्ट्रक्शन, क्या का इंफॉर्मेशन, क्या का रिसोर्सेज अपने आपको मैंने दिया है अलग हुई। आप आज तो ये डीप्रे करने के बाद आप आके कुछ हैंडसम करोगे, आपको प्लान करना है, वो ये देखना है, ढूंढना है क्या क्या आपने किया है, वो भी आपके साथ रहे। और ये भी आ सकता है कि मैं ये YouTube में है तो ये भी होगा, मैम ने किसने डाटा और मैम को किसने डाटा। हम लोग जो रिसर्च करते हैं, पेपर लिखते हैं,
जो नेशनल तौर पे एकदम जब से हुआ आज जाना है ये वाला, ये कोविड 19 का जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ है वैक्सीनेशन से ऊपर पैथोजेंस के ऊपर, आज ही मुझे जानना है एक जगह में, तो हम लोग क्या करेंगे, जर्नल को ढूंढेंगे है ना। आप लोग सभी अपना पेपर अपने 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 सब्जेक्ट में जर्नल्स को जितना ज्यादा पढ़ते हो, इन्होंने जैसे ये सर ने बोला, मैं सर मैडम मेरे 21 पब्लिकेशन है फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एंड अदर लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल प्रेस, तुम सर क्यों दिखते हो, बिकॉज सर का नेशनल थॉट जो है वो पढ़ के जो गेन किया है, ये वाला सर, सर वाइट वाला सर ढूंढ रहा है, ये वाला सर, इसके लिए कैप्स हो जाए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है अभी मैं जानता हूँ। तो ये एक अच्छा सा ब्रेन है जहां से निकल रहा है डॉक्यूमेंट, तो ये वाला आप लोग जानते थे कोई सर इतना लिखता है, सर को इतना आर्टिकल अभी आपको इस सेकंड हाफ में और एक कोर्स कराऊंगी, ये साक्षी
जो कोर्स है उसको करके उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको अपलोड करना है वर्क कोर्स अपलोड, तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर दो बस। ये मैम का ओईआर का कोर्स किया गया है, उसका सर्टिफिकेट किसने किसने किया है? ओईआर का कॉल का कोर्स, अंडरस्टैंडिंग ओईआर बोल के कोर्स है, ठीक है, जिसने नहीं किया है उसने यहाँ पर बैठ के वो कोर्स करके उसका सर्टिफिकेट कल तक हाल का, वो भी एक असाइनमेंट है, आज रात को जाके दो घंटे का वो इट इज पब्लिश एज टू आवर्स कोर्स, ओईआर कोर्स, टू आवर्स में आप ओईआर जान सकते हो पूरा अच्छे से, तो उसके लिए उसको वो अगर 70% के ऊपर आपको मार्क्स निकल आता है तो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग गिविंग यू अ सर्टिफिकेट दैट यू आर गोइंग ऑन अबाउट द अबाउट ओईआर एंड यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ ओईआर। उसके बाद हिस्ट्री आया है,
उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है, मगर वो पहले न्याय के अंदर ही वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और साइंस विज्ञान शिक्षा उसमें आता था। तो वही पढ़ते थे, वही रखते थे, मगर हमारे पास अभी अब तो छोड़ दीजिए, अब बच्चे के पास इतना है बैग ले गए तो वो लोग नहीं लेके जा पाते हैं, इतना भारी हो जाता है तो रखना ही पड़ेगा। तो उसको हम लोग दे कैसे उन लोगों को हेल्प ऑफ द रिसोर्सेज। अभी रिसोर्स पहले बुक्स था, सिर्फ बुक से नहीं होगा, हम लोग हायर एजुकेशन में है तो नेशनल थॉट भी डिलीवर करना पड़ेगा, इसलिए जर्नल्स है। ये जो पेपर कटिंग कल रात को क्या हुआ आज जानना है, पेपर कटिंग से मिलता है, न्यूज पेपर इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्स का हम लोग पहले पहचान ले तो फिर हम उसको ढूंढेंगे ना। तो यहाँ पर मैंने वो वाला चैप्टर यहाँ पर डाला। उसके बाद भी देखिए जो बोला उसका ये कौन कौन सा कवर मिल सकता है, तो यूनिवर्सिटी लेवल
इमेजेस कहाँ कहाँ हम लोग ओपन एक्सेस में इमेज ये ढूंढें, हाउ टू सर्च इमेजेस। फ्लिकर तो सबसे बड़ा एक है, फ्लिकर हमारे पास ही है, हम लोग फ्लिकर यूज करते हैं, इवन वी हैव अकाउंट्स ऑन फ्लिकर ऑल्सो, अपलोड भी कर सकते हैं और उसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। फ्लिकर होता है, देन कॉम्फिट, कॉम्फिट इज अ टोटली सीसी लाइसेंस इमेजेस। मैं इस ये इसके बाद में आ रही हूँ वहाँ पर, कॉम्फिट, कॉम्फिट में आपको सीसी लाइसेंस इमेजेस मिलेगा। देन पिक्सल में मिलेगा, फिर वेलकम इमेजेस। तो यहाँ पर सब डिजाइनर लोगोस एक्चुअली हैंडआउट आपको मिल जाएगा, कहाँ पर मिलेगा, अलोंग विद द यूआरएल्स। आप सिर्फ कंट्रोल बटन को प्रेस करके जस्ट उसमें क्लिक कर देना, वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि वर्ड फाइल में मैंने रखा। वीडियोस, ये जो हम बोलते हैं यूट्यूब में, जब कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े कोई वीडियो तो हम लोग यूट्यूब में देख लेते हैं। इधर ये जस्ट कुकिंग, इधर माय लैब टेस्ट, जो भी है, हाउ टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, जो भी है, अगर हमको कुछ सीखना है हैंड्स ऑन में हम लोग यूट्यूब ढूंढ लेते हैं। अगर यूट्यूब पे सब रिसोर्सेज सीसी लाइसेंस नहीं है, ओपन नहीं है, कॉपीराइटेड है, तो यू हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं यूट्यूब में लिखा है वो देख के आ जाना, कल पढ़ेंगे। आपको भी मैंने जो हैंडआउट मैंने दिया, मैंने तुम यार प्लान टू गिव यू द हैंडआउट टुमारो, उसमें भी यूट्यूब का लिंक है, मगर जो सिर्फ सीसी लाइसेंस वही दिया गया है, उसमें रूयर के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं। ऑडियो नॉट ओनली टेक्स, नॉट ओनली टेक्स बुक, नॉट ओनली जर्नल्स, नॉट ओनली वीडियोस, इवन ऑडियो इज आल्सो अवेलेबल इन ऑडियो प्लेटफॉर्म बाय द यूज ऑफ लिब्रीबॉक्स, ज़ेमेंडो, सीसी मिक्सर। आपने कल देखा ना सीसी सर्च में एक जगह है सीसी मिक्सर, तो ये ऑडियो के लिए है। देखिए हम लोग तो एकेडमिक्स है, हम लोग अपने सब्जेक्ट में ऑडियो ढूंढेंगे, मगर थिंक अबाउट दोस पर्सन हु आर एक्चुअली एंगेजिंग देयर सेल्फ और अर्निंग देयर सेल्फ बाय यूजिंग म्यूजिक, बाय यूजिंग देयर स्पीच, जो वॉइस को यूज करके अर्न करता है या कुछ वॉइस कॉन्टेंट क्रिएट करता है, जो म्यूजिक बनाते हैं उन लोगों के लिए सोचते हैं। So they can found some audio material by using such kind of OER platform. That is even Creative Commons they have SoundCloud. SoundCloud से हम लोग track से देके गाना record करके भेजते हैं ना, उन्होंने के लिए सब भेजते हैं, तो कितना सारे sound आ जाता है, कहीं से कभी कभी WhatsApp में आ जाता है, सुन लो भाई, सुन रहे तो हम प्रेम भी कर सकते हैं, इसमें directory of open access.
बोलिए। दिस इज वेब पेज ऑफ डायरेक्टरी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनर। हम लोग जो टेलर एंड फ्रांसिस ये इसके बात करते हैं बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस का IEEE, डिजिटल मैन वो विजिबिलिटी नहीं है, पैसा देने से मिलता है, पैसा ही नहीं है यूनिवर्सिटी के पास तो देंगे कैसे। सब्सक्रिप्शन रेट इज वेरी मच हाई, ये जो सेल्स पब्लिकेशन होता है उसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट सोचिए कर हम लोग लिख के उनको देते हैं वो खरीद नहीं सकते हैं हम लोग अगर अगर कॉपी में मेरी कॉपी ना दे तो। दिस इज अ रियल सिचुएशन। तो यहाँ पर देखिए दिस इज अ डायरेक्टरी, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी में सबका टेलीफोन नंबर वहाँ पर है, यहाँ पर जर्नल देखिए कितने सारे हैं। यू कैन सी दैट 80 लैंग्वेजेस का जर्नल है यहाँ पर, 80 लैंग्वेजेस वन फ्रॉम 130 कंट्रीज। जर्नल देखिए ATC इट मींस विदाउट आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। कोई कोई बोलता है ना आप पहले एडिटेड वॉल्यूम में आप आर्टिकल भेजो तो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज 600 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया मांगता है ना फोटो प्रिंटिंग बॉक्स, उसके बाद आपको एक कॉम्प्लीमेंटरी बुक्स मिलेगा, है ना, होता है ना सर, हम लोग सभी को होता है सर। और APC से मांगते हैं आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज के हिसाब से मांगते हैं। बहुत सारे हम लोग खुद है जो जर्नल में पैसे दे के उसमें उसको पब्लिश करते हैं, वो लोग तो पब्लिशर लोग तो है ही तो बिजनेस करने के लिए, पैसा मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। हम लोगों को ढूंढना है पीयर रिव्यू जर्नल है कि नहीं, हम लोग ढूंढते हैं ना वेदर दे आर इन द UGC केयर लिस्ट और नो, ये सब हम लोग सोचते हैं ना। हमने कैश के लिए अगर पब्लिकेशन इकट्ठा करना पड़े तो दिस आर द प्लेस। एक्चुअली यहाँ पर बोल रहे हैं जी कि APC मीन्स आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज के बिना ही 12,469 जर्नल्स वगैरह एंड कुल मिला के 17,978 जर्नल्स। इतना जर्नल्स है सोचिए आर्टिकल कितना होगा, 77,25,431 आर्टिकल है इन ऑल सब्जेक्ट, व्हिच इज डाउनलोडेबल, which is with a CC license, actual open access, actual OERs. From this place only, you can search your nation thoughts. देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं आप जर्नल, ये जो दो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये देखिए बोल रहे हैं आप जर्नल सर्च करो या आर्टिकल लेवल में सर्च करो, जर्नल लेवल में सर्च करो या आर्टिकल लेवल में, वो इंडेक्स करके रखा है अलग अलग, इसलिए ना अलग अलग सर्च टर्म दिया है आपको। अगर जर्नल लेवल में जाओगे तो जर्नल करेगा, अगर आर्टिकल लेवल में जाओगे तो आर्टिकल करेगा। तो आप हम लोग क्या चाहेंगे, सबसे पहले आर्टिकल लेवल में कि छोटा छोटा में जो भी चीज़ है वो भी निकल आए, हमारे जहन से कुछ ना निकले। सो अगर आप आर्टिकल लेवल में दे रहे हो और OER दे रहे हो, अब कोई कोई भी साक्ष बोले मैं तो कब से हुई है तो कोई नहीं बोले, बोलिए सर बोलिए, हाँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे 169 index article. Now you can refine your search by the subject. Informal communication कहीं में भी हो सकता है, psychology में होता है, ethics में होता है, information communication में होता है, information retrieval में होता है, library science में होता है, कहीं पर भी हो सकता है। This is a generic term. इसके लिए बोल रहा है ये 169 index journal में ढूंढा गया है। Now you can refine your search by subject, agriculture में, bibliography library में, auxiliary science में, education, fine arts, general work, इसमें आ सकते हैं। और यहाँ पर और भी refinement है,
एविडेंस बेस्ड, सोशल टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरीज, ये भी आ सकते हो, ये बोला गया। तो सब्जेक्ट हो गया, जर्नल हो गया, हम लोग करते हैं ना फिफ्थ यूनिट स्टडी, करते हैं ना लास्ट 10 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स, बिब्लियोग्राफी सर्च करेंगे, रेफरेंस सर्च करेंगे, तो क्या अनंत पाल का ये होगा? नहीं, हम लोग अपने हिसाब से उसको रिफाइन करते हैं विद द ईयर, विद द डेट रेंज एंड द स्कोप। कस्टम गूगल कस्टम सर्च इंजन में क्या होता है? कस्टम रेंज होता है, कल मैंने आपको दिखाया था वो एडवांस सर्च में, कस्टम योर रेंज, तो ये रेंज भी आ जाता है। एंड सीम बोल रहा है, जर्नल हैज द सीम, ये स्वर्ण इट मीन्स जो जो जहाँ जहाँ पर भी है आप लोग, तो यहाँ पर जो सील है इट मीन्स ओपन एक्सेस है कि नहीं, ये विद द स्टैम्प कि आप यूज कर सकते हो कि नहीं, कितना कर सकते हो, ये सब के लिए ये वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उसको यूज भी कर सकते हो। और डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, ये तो जर्नल मिल गया, और जर्नल में सपोज ये वाला जर्नल, ये एक जर्नल है इंडोनेशियन लैंग्वेज एजुकेशन एंड लिटरेचर, इसमें हम बोल रहे हैं कि आप ये वाला जो मैं जो बोल रही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने जो बोला वो वाला आर्टिकला, ये देखिए वो बोल रहा है ये जर्नल कैसा है, लाइव पीयर रिव्यू है इसका। आप इवन यहाँ पर आप इसमें अपना जर्नल को ढूंढ के यू कैन इवन पब्लिश योर आर्टिकल ऑल्सो, इसलिए उन्होंने ऑथर इंस्ट्रक्शन भी डाल दिया है, एक तो रिसोर्स सबको मिल सकता है ऑन द सेम वे, यू कैन पब्लिश बाई योर सेल्फ बाई यूजिंग दिस काइंड ऑफ जर्नल्स। हम लोगों को पता ही नहीं चलता हम लोग कहाँ लिखेंगे, कौन कौन सा ओपन एक्सेस जर्नल है जहाँ पर हम विदाउट एपीसी कोई पैसा ना दे के अपना पब्लिकेशन पब्लिश करें, सभी तो पैसा मांगते हैं, और पैसा दे के अगर जर्नल पब्लिश करना हो तो उसको जरूरत नहीं है। एकेडमिशियन का मतलब होना चाहिए नेम एंड फेम, वो आता है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड से, बाकी किसी से नहीं। आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज को कहीं पर भी दे सकते हैं और कहीं पर भी छाप सकते हैं। यहाँ पर अगर आप विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी अगर ब्लाइंड पीयर रिव्यू से आपका जर्नल सिलेक्ट होता है, इट मीन्स इट विल सिलेक्ट ओनली विद योर कॉन्टेंट, दैट कैन एट्रीब्यूट योर सेल्फ। पब्लिकेशन का क्वालिटी भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो कोई भी पीयर रिव्यू करके अपने आपको जानते हैं। ब्लाइंड पीयर रिव्यू मीन्स की उसमें ऑथर का नाम भी नहीं रहता है, सिर्फ पेपर को आर्टिकल को एक नंबर मिलता है रेफरेंस का। मैं जैसे ओपन यूनिवर्सिटी इनके का रिव्यूअर, मुझे जो मिलता है वो एक जर्नल का एंटाइटल होता है, उसके साथ एक रेफरेंस आईडी बोल के उसका फॉर्मेट आ जाता है, मैं उसको करके उसके ऊपर अपना रिव्यूअर मैं दे। दिस इज कॉल्ड लाइव पीयर रिव्यू, एंड उसमें लाइव डबल पीयर रिव्यू इट मीन्स मोर देन वन टू और थ्री रिव्यूअर को जाता है, उसका सबका जो सजेशन होता है इसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद अगर आपका पेपर पब्लिश है तब क्या है, तब तो वो वाला कॉन्टेंट। यहाँ पर यू कैन पब्लिश योर ओन कॉन्टेंट ऑल्सो, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है, अगर एक लिख रहा है जिसका कॉन्टेंट क्वालिटी का क्या क्वालिफिकेशन, आप हम लोग जैसे जैसे मान लो यूनिवर्सिटी में अगर आप जॉब करते हो तो यू आर सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ योर क्वालिफिकेशन ना, अगर यूनिवर्सिटी आपका एप्लीकेशन तो इसलिए देखा जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, योर एप्लीकेशन, ये योर एफिलिएशन आपका, आपका जैसे कोई इंस्टीट्यूशन उसका बेस होना चाहिए ना, कर सकते वो उसका भी एफिलिएशन होता है ना, स्टूडेंट्स हम लोग देते हैं ना जिस यूनिवर्सिटी का है, जैसे मेरा आप
लेकिन ये रिपोजिटरी है, डायरेक्टरी रजिस्ट्री ऑफ फाइनेंसियल रिपोजिटरी। हर एक में आप अगर देखोगे तो एक एक यहाँ पर आप देख सकते हो करोड़ों में जर्नल है, मार्क किया है।
वो आ जाए इट मींस कि वो यू कैन यूज दैट मटेरियल ऑन एज पर दैट टर्म डिक्लेयर्ड बाय क्रिएटिव कॉमन्स और एक होता है आर्टिकल लेवल में नहीं होता है वेबसाइट में ही डाल देते हैं वो लोग वेबसाइट में वो लोग डाल देते हैं कि वेदर इट इज यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा देखिए दिया हुआ है ये वाला चीज Content on this site is licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 is edition International CC BY-SA 4.0 license. All copyrights and related rights for article metadata. यहाँ पर सिर्फ article नहीं है उसका भी जो metadata है article metadata means जैसे हम लोग लिखते हैं name equal to जैसे मेरा name कोलम लेकिन मेरा नेम है वर्णाली राजौरी वर्णाली राजौरी इज डेटा और ये डेटा क्या मेटाडेटा है वो नेम जो हमने वर्ड लिखा है वो नेम है मेटाडेटा कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए सब कुछ बोल के देना पड़ता है ये आइटम है ये नेम है ये ऑथर है तो वो नेम ऑथर ये जो मेटाडेटा इसमें सिर्फ जो आर्टिकल है वो सिर्फ सीसी लाइसेंस नहीं है उसका मेटाडेटा भी सीसी लाइसेंस है वही बोल रहा है एंड दिस इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन और देखिए फोटोज यूज थ्रू आउट द साइट बाय डेविड जोन जेन पॉल एसेट्रा एसेट्रा फ्रॉम आर्म्सप्लस वो साइट का नाम है आर्म्सप्लस तो ये वाला आपको मिल जाएगा इधर मिलेगा डॉक्यूमेंट में सीसी है और मिलेगा कि वेबसाइट में सीसी है अगर वेबसाइट में है तो वेबसाइट का जितना भी डॉक्यूमेंट है वो एग्रीमेंट करके ही किया है इसलिए उसमें अलग अलग से नहीं लेते नंबर वन और एक है जिसमें ये ओपन इज हम लोग बोलते हैं ना आई वॉश वैसे ये कल्चर चलता है ओपन वॉश हम लोग वाइट वॉश बोलते हैं ना वाइट वॉश ओपन वॉश इज अ कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम लोग कुछ भी करते हैं ओपन लिख के उसको छोड़ देते हैं बहुत सारे जर्नल है जहाँ पर ओपन जर्नल फॉर दिस एंड दैट बोल के है मगर दे आर नॉट ओपन एक्चुअली दे आर नॉट गिविंग यू द परमिशन टू रीयूज रीयूज रीमिक्स रिवाइज इवन दे आर नॉट एम्बेडेड विद द सीसी लाइसेंस ओपन फॉर देयर बिजनेस यार ओपन दिस इज ओपन वॉच बहुत सारे बुक्स है जो ओपन वॉच ओपन बुक्स बोल के बोलते हैं ऑन द सेम वे नाउ The profit-making publisher like Taylor and Francis, सबका जितना भी journal, वही ले public, जितना भी proprietary journal है, सबका देखना आगे open access का department open हुआ है, एक clause open हुआ है, सिर्फ वहीं पर आपको जाके जो जो document मिलेगा वो free में open जो lock है, वो दिया हुआ है. This is also for the business purpose. ये अगर open बोल के एक percentage अगर वो दे देता है तो उसको tax benefit मिलता है. Everything is for business. So this is Painfield Sarsin. देखिए यहाँ पर आप now you can see 308703316 documents from 10,013 content providers. It is also a meta search engine. Different search engines are there. Base, Payfield क्या है सब source को इकट्ठा करके उनका सब index एक जगह use करता है वो index से ये वो देता है कितना 10,013 service provider बोला है उन्होंने content provider उतना source से वो document index करके रखता है अगर आप search करोगे यहाँ पर तो and this facility also has facility to be the advanced search option देखिए आप डॉक्यूमेंट लेवल में सर्च कर सकते हो सर आपका यहाँ पर आता है डिस्कवरी टूल का जो आपने बोला था ना एक लाइन को पूरा उधर से उठा के लेके आता है वो वर्ड जहाँ पर मिलता है लाइन में वो लेके आता है और लाइन
में रिसर्च करने के लिए? हाँ तो बोल दीजिए। अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च आर्टिकल जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वही लेंगे ना। हमारा जो जरूरत है वही खरीदेंगे ना। तो अगर मिल जाएंगे इतना पैसे से ना खरीद तो अगर मिल जाए वो भी विद द लाइसेंस कि यू आर ऑलरेडी प्री लाइसेंस टू यूज दैट मटेरियल। लेकिन यहाँ पर इतना सॉफ्ट की वजह से आपको पहले समय दे सकते पेंट की साथ। और एक है दैट इज कोर। कोर इज कनेक्टिंग रिपोजिटरी। आप लोग एग्रीज को यूज नहीं कर
dedicated information system is there. We have to search on this. Now, this is the high time to discover, to create, curate, and share your material under CC license. Now, the task is. आप लोगों को करना है, मैं बैठूंगी आपको भी. Yes, yes, please, yes, sir. I have one question. Yeah. Are these general, whatever you have provided on these platforms, including the general of Gateway of Open Access Journal, so are there SCI and Scopus Index in the journal? बहुत सारे वेब ऑफ साइंस में अगर आप देखोगे या स्कोपस इंडेक्स देखोगे उसमें मिल जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे जर्नल के साथ ये पास ही में उसका जो जर्नल का सबको वेब पेज है उसमें इंपैक्ट फैक्टर भी लिखा रहता है. आई हैव सर्च फॉर फ्यू जर्नल्स बट आई हैव नॉट एबल टू गेट देयर इंडेक्सिंग एसआई और व्हाट इज एसआई एंड स्कोपस बिकॉज़ इन आवर साइंस फील्ड इज एसएफटी में डेफिनेटली आई एग्री विद एंड इवन फॉर द यूसी केयर लिस्ट आल्सो they have provided that the money is focus and is guide levels. Yeah, I got your point. Please, please allow me to answer your question. First of all, आपको देखना होगा सर, ये जो impact factor या science index जो देते हैं SCI वाले बा web index factor को web of science जो देते हैं, ये जो indexing होता है ना, उसका impact factor. सबके पीछे देखना आपको उसका कोई एक ना general operator होता है जिसका यही होता है कि हम पब्लिश हाउ टू पेनिश पब्लिश एंड पेनिश दे ऑल आर द पब्लिशर. हमारे ये जो प्रेजेंट प्रैक्टिस में है आप देखते हैं छोटा छोटा जर्नल के भी पास में होता है तो आई पॉइंट इतना इंपैक्ट फैक्टर इंपैक्ट फैक्टर सच में होता है क्या डिसाइड ना कौन सा नोटर कौन सा नोटर डिसाइड दिस इज द इंपैक्ट दिस इज द करेक्ट. उसके पास तो वो इंफॉर्मेशन जाना चाहिए सर. ये हमारे जो जर्नल है उसको इम्पैक्ट फैक्टर इसमें आए कि नहीं ये आप कंसीडर करो. तो उसके लिए तो उसका पब्लिशर वो इनिशिएटिव लेता है क्योंकि अगर उसमें एक्चुअली मैं जो बोल रही हूँ वो लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो पुश करते हैं मगर ओपन एक्सेस जर्नल में जैसे हम लोग खुद देंगे उस पर वहाँ पर वो इनिशिएटिव कम है. अगर हम लोग वो इनिशिएटिव वी आर द एक्चुअली कंट्रीब्यूटर वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव टू पुश देम टू गेट अ इंडेक्स फैक्टर और दिस फॉर दिस आई थिंक द गवर्नमेंट यू सी इज टू हैव टू टेक दिस बट इफ यू सी द न्यू एनईपी 2020 एवरी फैकल्टी हैज टू पब्लिश देयर कंटेंट इन ओयर और ओपन प्लेटफॉर्म. They are not on that phase, they are not actually considering that impact factor because impact factor open access journal mein lane ke liye thoda sa time lagega because it's all about mindset. Dekhiye yahan par teen baar OER ke upar workshop hone ke baad aap log itne active hue ho baaki sab to nahi jante hain yahan par open access ke baare mein to index hone ke liye wahan par to kahin par record hona chahiye. ये जो आपने आज जाना है कि इतना सारे ओपन एक्सेस जर्नल अवेलेबल है तब जाकर आप ढूंढ रहे हो कि नहीं बोलिए उसपे इम्पैक्ट फैक्टर है कि नहीं. इतना दिनों तक आपने उसपे इम्पैक्ट फैक्टर ढूंढा था क्या वो जर्नल ढूंढा था आपने. हम लोग क्या करते हैं जो ऑलरेडी वेल नोन है उसके पीछे भागते हैं मगर जो अच्छा है उसको पुश करके ऊपर आना पड़ता है. आई एम टोटली एग्री विद यू बहुत सारे ओपन एक्सेस जर्नल में इम्पैक्ट फैक्टर डिफाइंड नहीं है उसमें वेब इंडेक्सिंग फैक्टर नहीं है. मगर ये भी जानती हूँ अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर पर्सनली क्यों कोई डॉक्यूमेंट ओपन एक्सेस में पब्लिश कर दे तो बहुत जल्दी उसका एक इंच इंडेक्स बढ़ जाता है. गूगल कस्टम आपका गूगल स्कॉलर में ये है तो ऑर्सिड में है तो ऑर्सिड में आईडी है ना ऑर्सिड रिसर्चर देन गूगल स्कॉलर इसमें आईडी ओपन कीजिए और जो ओपन एक्सेस जो आप पब्लिश कर रहे हो ये तो आपको देने में कोई बाधा नहीं है इसमें एम्बार्गो भी नहीं होता. यू कैन शेयर वो अपना पेज बना के उसमें अपलोड कीजिए देखिए आपका इंडेक्स कितना बढ़ता है. चैनल तो इंपैक्ट फैक्टर लेके क्या करेंगे आपका भी खुद का इंडेक्स बढ़ाओ. एंड इंडेक्स अकाउंट बनाने से नहीं बढ़ता है इंडेक्स पेपर की क्वालिटी और जर्नल की क्वालिटी से बढ़ता है उसका इंपैक्ट फैक्टर क्या है उससे बढ़ता है इंडेक्स.
that is the quality of paper, quality of journal, citation of paper. Number of citation. This is factor. Number of citation. देखिए index. मैं बोलूँ आपको. Yeah. Actually, you are considering me that you are the well-known person on the citation and indexing. It is not like that. I am sharing my views with you, with having the proper knowledge on this. I am having the proper knowledge on the indexing. And citation. Citation कब मिलता है? It is not depends on the citation. वो जो आपने साइट आप जो आप लोग को जो जो कर रहा है उसको भी साइट किया है कि नहीं किसी भी की कोई उसके ऊपर भी आपका इंडेक्स फैक्टर ये साइटेशन और ये इंडेक्सिंग उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. यू द फर्स्ट ऑथर आपका पेपर वो साइट कर रहा है तो सिर्फ उसके ऊपर नहीं अगर उसका पेपर भी इन्होंने साइट कर दिया उसके ऊपर भी आपका नंबर जाएगा. साइटेशन ऐसा होता है तो इससे कौन दे रहा है कौन ले रहा है ये नहीं. अकाउंट बनाने का मतलब ये है टू गेट द विजिबिलिटी नॉट टू गेट द साइटेशन. अगर विजिबिलिटी नहीं मिलेगा तो उसको साइट क्यों कर कैसे करेगा वो. आपका पेपर किसी ने जाना नहीं पढ़ा नहीं तो उसका नाम उसको अटेंड करेगा कैसे. आपको मैं जानती नहीं थी तो कल मैं आपका नाम लिया है क्या आप आखिर उसको वहाँ पर बोला क्या इतना पेपर यहाँ यहाँ पब्लिश किया है तब ने मैं जान के आपको बोल रही हूँ. मैं वही बोल रही हूँ कि गूगल स्कॉलर में अकाउंट बनाने से आप अगर ओपन एक्सेस पब्लिकेशन अगर करते हो तो वो पब्लिक वो फुल पेपर आप अपलोड कर सकते हो तो इससे विजिबिलिटी मिलेगा क्योंकि गूगल सब यूज करता है उसका इंडेक्स में आ जाएगा. इट इज नॉट दैट एक्चुअली डीकोय बोल के एक बात है आप जानते हो जैसे हम लोगों को हिमशैल है जो वन थर्ड से ऊपर दिखता है टू थर्ड नीचे है. वेब पे डेटा रिकवरी वो वन थर्ड हुआ है बाकी टू थर्ड अभी भी रिसर्च का अभी भी पानी के अंदर है जो रिट्रेंड नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस क्लोज एक्सेस ऑफ द जर्नल्स टू ओपन अप द पाथ वो नहीं कर रहा है वो निकलने नहीं दे रहा है. सो यू आर द बॉस ऑफ योर राइटर आप उसको पब्लिश कर दो आप उसको विजिबिलिटी दे दो फिर आपको पेपर पड़ेगा फुल टेक्स्ट तभी तो आपका नाम बोलेगा ना. तो उसके ऊपर ही तो साइट साइट मीन्स क्या हम लोग हिंदी में बोलते हैं उच्चारण. आपका नाम बार बार ले रही हूँ इट मीन्स कि यू हैव द क्वालिटी है ना. तो क्वालिटी को तो भी जांच करने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है तभी तो जाके जजमेंट होकर आपका नाम. डेफिनेटली इट्स डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी बट क्वालिटी है कि नहीं इसके लिए विजिबिलिटी लगनी चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट विजिबिलिटी नॉट योर बॉस. अच्छा तो ओ, आपका जो ये था कि उसमें आता है अब खुद का इंडेक्स बना ये प्रॉब्लम है मगर इसमें ये भी क्लॉज है. सो यू कैन पब्लिश योर डेटा थ्रू यूजिंग ओयर क्योंकि यूजीसी रूल्स एडी भी अभी जो अगर पढ़ोगे तो उसमें ये इंक्लूडेड है और आप लोगों को मूक्स में भी कोर्स करना पड़ेगा और स्टूडेंट को भी क्रेडिट ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो दिस इज द प्रोविजन वेर यू कैन introduce OER to the learner even to can use that by yourself. ये क्लॉज है इसलिए यहाँ पर हम लोग सब जानते हैं ओपन एक्सेस में ज़्यादातर साइटेशन नहीं होता है. ये साइटेशन बोल रही हूँ इंडेक्सिंग फैक्टर इम्पैक्ट फैक्टर ये लिखा नहीं होता है जैसे क्लॉज एंड मेडिकल साइंस का अगर देखोगे सर तो मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा जानने का कॉपरेट और इसमें एक मेडिकल ट्राइबल सिस्टम काम करता है इसके बैकेंड में दैट इज कॉल्ड मेडलाइन और उसके बैकेंड में मेडलास बोल के एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम करता है. सो ये पूरा ओपन है मेडिकल साइंस में उसका इंपैक्ट फैक्टर पब्लिक का कोई पूछता नहीं है. पब्लिक का इंपैक्ट फैक्टर आप जाओगे आप एक बार देखना क्लोज में भी इंपैक्ट फैक्टर लिखा हुआ है. So such kind of visibility of the system. I'm not talking about the impact, I'm talking about the cognition. The cognition can't be done, only the volume, sir. And the SCI, because... Recognition. Recognition, आपको इसके मत ये सर के हिसाब से थॉमसन यूनिवर्स से मिले तो ही recognition है नहीं तो नहीं ऐसा तो नहीं होता. वो impact factor decide करता है तो सही करता है.
वैसे तो सब अपने जनरल का जो भी लोकल भी है वो भी लिख के बैठा है, 10 है 12 है 15 है, वही तो मैं बोल रही हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कॉमर्स रूटर जो करता है उसी की वैल्यू है। अगर किसी को पेपर चेक करना है तो इस फोकस डॉट कॉम पर जाके अपना सर्च कर सकते हैं, पेपर बहुत सारे आ रहे हैं। ये बोलिए हम लोगों को कैश में नंबर अचीव करने के लिए हम लोगों को पहला ऑप्शन क्या है, यूजीसी के लिस्ट में है कि नहीं, यूजीसी में है कि अगर है भी तो हमको तो फुल टेस्ट भी नहीं मिलता है, ये भी तो सोचो।
ब्रीथिंग मटेरियल चाहिए फॉर द टू एनहांस आवर नॉलेज. पब्लिश के बारे में आप जब पब्लिश करोगे, पब्लिकेशन के बारे में सब सब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सोचो, तब साइटेशन एजेंट्स के बारे में. मगर जब आप पढ़ते हो, जब यूज कर रहे हो, तो ओपन एक्सेस नॉट को यूज कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को भी इंकरेज कर सकते हैं. दिस इज माय पॉइंट. कितना इंडेक्स होता है वो तो अभी अच्छा फॉर द शिप ऑफ द ये जो हम लोग आर्गू कर रहे हैं, ये आर्गुमेंट के ऊपर अक्सर आप बोलिए तो आप आर्गुमेंट के बारे में बोलिए, आप अपना फिलोसफी बोलिए. अगर नहीं मेरा क्वेश्चन ना सुनिए क्वेश्चन आपको अगर थॉमसन रेडलर बोलता है कि आपका राइटअप अच्छा है तो ही क्या अच्छा है? अगर सब करके यहाँ पर हम लोग बोले ना सर सच्ची में अच्छा है तो भी अच्छा है. अभी आपका जो कमेंट है थॉमसन रेडलर ने नहीं बोला. आपको डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हो, पूरे ऑल ओवर की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं. आपको कैसे अगर नंबर चाहिए एपीआई में चाहिए तो वहाँ पे आपको पब्लिश कराना ही पड़ेगा. और आप अभी जो बात कर रहे हैं इंडेक्स की, आप बात कर रहे हैं इंपैक्ट फैक्टर की, बात कर रहे हैं साइटेशन की, बात कर रहे हैं, आप मिक्स अप कर रहे हैं. दीज आर द डिफरेंट थिंग. इंडेक्सिंग अलग होता है, इंपैक्ट फैक्टर अलग होता है, साइटेशन अलग होता है. थॉमसन रूटर स्कोपस और एससीआई को देता है. अरे इंपैक्ट फैक्टर कब कैसे होगा? साइटेशन नहीं होगा तो इंपैक्ट फैक्टर कैसे होगा? साइटेशन अगर चाहिए तो साइटेशन क्या होता है? इंपैक्ट फैक्टर वो अलग होता है ना. साइटेशन इंपैक्ट फैक्टर मिक्स अप नहीं होगा. मिक्स अप नहीं है. दीज आर द डिफरेंट थिंग. प्लीज डोंट मिक्स अप ऑल दिस in this place because they are not that much well accounted with your knowledge. There is a difference between the understanding of these three things. These three things are interrelated and interdependent. And all these things only based on the visibility. Agar visibility nahi rahega, mera kaam agar koi dekhega nahi, padhega nahi, to center kaise hai? This is the thing. We should stop this discussion here. And after lunch session, I can discuss this thing to this to the sir one to one because it is actually confusing other teachers. Thank you. So, अभी देखिए, OER and open access, it's a philosophy. This is a mindset. ये आपका आप कहाँ पर आप आपका write up publish करना चाहते हो? This depends on you. अगर आपका राइट अप अगर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कराना है, ज्यादा उसको शेयर करना है, तो इट शुड बी पब्लिक एंड ओपन डॉक्यूमेंट. जैसे मानो मेरा जिंदगी में मैंने मेरा आईईई में हूँ, मैं भी मेरा पेपर साइज हुआ है, मेरा पेपर पब्लिश हुआ है, मगर उसके बाद मैं नहीं देती हूँ. मैं ज्यादातर ओपन एक्सेस में देती हूँ. मुझे नहीं चाहिए वो वाला चीज. मेरा पब्लिकेशन उसको विजिबिलिटी मिले. जो भी पब्लिकेशन होता है मैं कॉपीराइट कॉन्सेप्ट में साइन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ मेरे पेपर में वो मेरा डिजिटल रिपोजिटरी में मैं उसको अपलोड करूँगी. क्योंकि ये नॉलेज हम लोग किसी कॉपीराइट से नहीं लेते. नॉलेज वो कॉपीराइट होल्डर भी उसके प्रीवियस किसी नॉलेज से लिया हुआ है. दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. सब लोग समझते हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है. नॉलेज इज नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी, नॉलेज इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी. ये जो मानते हैं उसके लिए ओपन एक्सेस ठीक है, जो मानते नहीं है उनके लिए थॉमसन रेडलर वेब ऑफ इंडेक्स का इंडेक्सिंग स्टाइल सब ठीक है. मैं मानती हूँ नॉलेज इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग एंड थ्रू व्हिच आई जस्ट वांट टू रिज्यूमिनेट योर स्किल एंड थॉट्स दैट यू शुड राइट और यू शुड यूज द ओपन एक्सेस मेटेरियल फॉर द विजिबिलिटी, फॉर द शेयरेबिलिटी एंड फॉर द रीयूजिंग पर्पस. जो है हम लोग तो कोई इन्वेंट नहीं कर रहे, तो फिर हमारा नाम तो कहीं कहीं और होता. हम वी आर यूजिंग द वी आर जस्ट कोलैबोरेटिंग द प्रीवियस वर्क और बोल रहे हैं हम कर रहे हैं. दिस इज द कोलैबोरेटिव वर्क. सबसे कर रहे हैं उससे लेके पेपर बना रहे हैं, इसलिए मेरे फलन देते हैं. विदाउट प्रेफरेंस आपका पेपर क्या एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा, नहीं होता है. तो कैसे हम इसको कॉपीराइट कर देते हैं? कैसे हम कॉपीराइट कॉन्सेप्ट को साइन करें कि इसका हक उससे पब्लिशर में है और किसी में नहीं है?
करेंगे कंटेंट और फ्री बनाएंगे. दिस इज माय फिलोसफी. कितने सहमत है मुझे, जस्ट रेज योर हैंड. ओपन एक्सेस में भी हम लोगों का विजिबिलिटी देने के लिए, स्टूडेंट्स को नॉलेज एनहांस कराने के लिए, शेयर करने के लिए, एकेडमिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए बुक्स पेपर्स अवेलेबल कराना चाहिए विदाउट एनी स्पेंडिंग एनी कॉस्ट और विदाउट एनी लीगल बैरियर. ये चाहिए. सो नाउ यू हैव द टाइम का लंच हो गया. एक असाइनमेंट करा लेते हैं और लंच का टाइम हो गया. हम लोग क्या लंच के बाद असाइनमेंट करें? तो सर बोल रहे कि हम लोग सो जाएंगे, नींद आ जाएगा. सोच के काम करना है, सोच के आप लोग लंच करके
करना है।